वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। भारत में कोरोना वायरस के मामले 170 के भी पार जा चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में करीब 2 लाख से भी अधिक लोग इन्फेक्टेड हैं। ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और उस हिसाब से इसे कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल है। आपको ये बता दें कि 8000 से अधिक लोग कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ चुके हैं। इस वायरस के कारण लोगों के मन में काफी सारे डर और काफी सारे सवाल ये हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ने वाले व्यक्ति के शव से कोरोना फैल सकता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के कारण पेशेंट्स के शवों को हैंडल करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हालांकि डेड बॉडीज से कोरोना फैलने की संभावना अधिक नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि जांच करते समय इनके लंग्स को सही तरह से हैंडल ना किया जाए तो इसके कारण इन्फेक्शन फैल सकता है। हालांकि संक्रामक रोगों के लिए और शवों को डिस्पोज करने के लिए WHO कई सारे बायोसेफ्टी लेवल्स का इस्तेमाल करता है। कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ने वाले लोगों के शवों को डिस्पोज करने के लिए WHO बायोसेफ्टी लेवल 3 का इस्तेमाल कर रहा है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव के मुताबिक WHO के बायोसेफ्टी लेवल 3 के अनुसार ऐसे शवों को इस तरह के प्लास्टिक में पैक किया जाना चाहिए जिससे लीकेज बिल्कुल भी ना हो। इस प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना खोलने की हिदायत दी जाती है। साथ ही रिश्तेदारों को ये भी हिदायत दी जाती है कि वो शव को छुए नहीं। इसी के अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ये गाइडलाइन जारी करती है कि किसी भी हेल्थ वर्कर को अपने उपकरणों और अपने हाथों को पूरी तरह से साफ रखना है ताकि इन्फेक्शन उन तक ना फैले। किसी भी रिश्तेदार को अपने परिजन के शव को छूने, किस करने और नहलाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों के शवों का अगर तुरंत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो इसे 4 से 6 डिग्री के तापमान पर मोर्चरी में स्टोर कर लिया जाता है। आपको ये बता दें कि इन शवों की बहुत जरूरत पड़ने पर ही ऑटोप्सी की जाती है और ऑटोप्सी करते वक्त सेफ्टी गियर्स का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही WHO और एम्स अंतिम संस्कार करने की सलाह देते हैं बजाय दफनाने के। H1N1 आउटब्रेक के समय शवों को दफनाने की अनुमति थी। कोरोना में अगर लोग शव को फिर भी दफनाते हैं तो उसे शव को ना छूने की सलाह दी जाती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछें और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।